अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद हुसैन होम गार्डन से। आज हम बात करेंगे फाइकस के बॉन्साई की, जो कि मैंने बड़े पॉट में लगाया हुआ था। उसे मैंने शिफ्ट कर दिया है, तकरीबन इसे 15 से 20 दिन हो चुके हैं इसे मैंने शिफ्ट किए हुए। तक अब मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना रहा था, मैंने ना चलो यार आज फाइकस के ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ कि फाइकस के बॉन्साई को मैंने कैसे ट्रेन किया और इसे कितना टाइम लगा। इस पौधे को मेरे पास तकरीबन व्यूअर्स, हाँ तो व्यूअर्स, इसे तकरीबन एक साल हो चुका था मेरे पास, एक साल से ऊपर हो गया है, खैर एक से डेढ़ साल हो चुका है इसे मेरे पास, क्योंकि एक डेढ़ साल तक भी वैसे ही रहा मेरे पास एक पॉट के अंदर। तो फिर मैंने डेढ़ साल के बाद मैंने इसको सोचा कि बॉन्साई बनाऊंगा मैं इसे, तो इसे फिर मैं कभी बॉन्साई पॉट में, कभी बिग पॉट में, कभी बॉन्साई पॉट में, कभी बिग पॉट में शिफ्ट करता रहा। तो इस तरीके से ये बहुत ही हार्ड हो चुका है, इसका तना आप देख सकते हैं, ये तकरीबन ये डेढ़ इंच का इसका तना है और इसकी मोटाई भी अच्छी खासी है। इसकी जड़ें देखें आप, ऐसे ये ऊपर से बुशी टाइप का बनाया हुआ है मैंने इसे ऊपर वायरिंग करके, बिल्कुल ये ओल्ड ट्री की तरह दिख रहा है। तो व्यूअर्स, इसकी केयर ये है कि इसको मैं डेली वाटरिंग करता हूँ, सर्दियों में इसको एक दिन या दो दिन छोड़ के मैं वाटरिंग करता हूँ। बाकी नेक्स्ट जो मेरे मैंने सीड्स वगैरह लगाए थे काफ़ी सारे पपीते के, उसमें से काफ़ी सारे सीड्स मेरे जो हैं, यहाँ मेरे टेरेस के ऊपर जो है चिड़ियाँ वगैरह आती रहती हैं, तो उन्होंने उन सीड्स को खा लिया या उन पत्तों को खाया है तो ख़राब हो गए। तो भी बस इस वजह से मैं नेक्स्ट वीडियो उस पपीते पर नहीं बना सक रहा हूँ, तो मैं भी बनाऊँगा उस पर भी वीडियो, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा व्यूअर्स, ओके। और बाकी इसके अंदर मैंने सिंपल 30% सॉइल और 20% काउडंग और इसके अंदर मार्बल के पीसीस आते हैं छोटे छोटे चिप्स टाइप के, वो नीचे बिछाएं, उसके बाद मैंने ये दोनों चीज़ें मिक्स करके इसमें बनाया, इसकी सॉइल रेडी की थी बॉन्साई सॉइल। ठीक है व्यूअर्स, नेक्स्ट अपडेट चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट्स में, कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। ओके, अल्लाह हाफिज़।